Now let's see next example. In previous case we are assigning 120 directly inside integer, then integer will be copied inside characters. Case mein x ka type character aur integer ka type kya hai y. Remaining pura code kaisa exactly same as previous example. इस एग्जांपल को कंप्लीट करने से जस्ट पहले कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा इसके. इसमें सपोज दैट अगर आपके पास टू डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं अवेलेबल इन द डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा लाइक दैट. सपोज फर्स्ट केस में टोटल बिट्स कितने हैं समथिंग 4 बिट्स. सेकंड केस में आपके पास टोटल बिट्स हैं समथिंग 8 बिट्स लाइक दैट. देयर आर सम 8 बिट्स. इस केस में टू पॉसिबल कन्वर्जन. इस केस में मैं कंसीडर करना लगेगा लोकेशन नेम समथिंग दिस वन इज कंसीडर्ड एज पी समथिंग क्यू लाइक दैट. तो स्टार्ट से टू डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इन डिफरेंट डिफरेंट साइज. पी का साइज क्या है यार, पी इज 4 बिट लॉन्ग, क्यू इज 8 बिट लॉन्ग, डिफरेंट डिफरेंट साइज. इस केस में टू पॉसिबल कन्वर्जन होंगे, या तो लोअर साइज को हायर साइज में कॉपी करेंगे या फिर हायर साइज को लोअर साइज में कॉपी करेंगे. दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे, जब भी हायर साइज को लोअर साइज में कॉपी करेंगे तो डेटा कैसे स्टोर होगा लाइक दैट. दिस बिट मींस राइट फर्स्ट राइट मोस्ट बिट, फर्स्ट राइट मोस्ट बिट में असाइन होगा. सेम एज सेकंड सेकंड बिट में कॉपी होगा. थर्ड बिट का डेटा थर्ड बिट में असाइन होगा. सेम एज फोर्थ बिट का डेटा फोर्थ बिट में असाइन होगा करस्पॉन्डिंग. रिमेनिंग बिट्स का डेटा स्टोर करने के लिए पी के पास कोई स्पेस नहीं, इसलिए रिमेनिंग बिट्स कंसिडर होंगे जो लॉस्ट इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू पी लाइक दैट. सिमिलरली अगर पी के कंटेंट्स क्यू में कॉपी करें तो पी के कंटेंट्स क्यू में भी किस टाइप से कॉपी होंगे लाइक दैट. दैट वन देन दैट वन. सिमिलरली थर्ड बिट सेम एज फोर बिट, सेम एज फोर बिट. ठीक है, रिमेनिंग बिट्स में कॉपी करने के लिए पी के पास कोई डेटा है क्या, नहीं. देन रिमेनिंग बिट्स में क्या स्टोर होगा, सेम एज साइन बिट ऑफ पी. पर पी का साइन बिट वैल्यू जीरो है, देन रिमेनिंग सभी प्लेसेस पर कैसा होगा डिफॉल्ट वैल्यू है जीरो. पर पी का साइन बिट वन है, देन रिमेनिंग सभी बिट्स में कैसा हो जाएगा डिफॉल्ट वैल्यू है वन. सेम एज एग्जैक्टली साइन बिट इन ऑल प्लेसेस, साइन बिट ऑफ क्यू, साइन बिट ऑफ क्यू लाइक दैट. इसी एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए, इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रूव करने के लिए करंट एग्जाम्पल प्रोवाइड किया. फर्स्ट वन क्रिएट किया वेरिएबल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में 8 बिट्स कॉपी होंगे और 1 बाइट्स, और वी कैन से सिंपली 8 बिट्स इज द मेमोरी एलोकेशन फॉर कैरेक्टर वेरिएबल एक्स. नेक्स्ट में एलोकेशन फॉर वाई, वाई का डेटा टाइप इंटीजर फाउंड हो रहा है, इसलिए वाई के लिए कितने बाइट्स एलोकेट करेंगे 2 बाइट्स मीन 16 बिट्स, 8 बिट्स प्लस 8 बिट्स. देन एक्स में असाइन करा है बाइनरी नंबर 128, 128 का बाइनरी क्या है 1, 120 का बाइनरी क्या है 1 ऑल टाइम्स 0 मीन 7 टाइम्स 0. इस प्लेस पर असाइन किया डेटा कॉपी किस में रहा इंटीजर वेरिएबल सॉरी कैरेक्टर वेरिएबल एक्स, तो एक्स में क्या असाइन होगा 1 रिमेनिंग टाइम्स 0 लाइक दैट. सपोज हियर वी आर नॉट इंटरेस्टिंग डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एक्स, वी आर इंटरेस्टिंग ओनली डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई. वाई के रिस्पेक्ट में करंटली जब इस डेटा को कॉपी करेंगे तो डेटा कॉपी कैसे होगा, मीन्स 8 बिट्स कंप्लीटली कॉपी किस में जाएंगे, राइट मोस्ट 8 बिट्स ऑफ वेरिएबल वाई. मीन्स जब एक्स को वाई में कॉपी करेंगे तो एक्स के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं 8 बिट्स. कॉपी कितने बिट्स में हो रहे हैं, एक्स के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं 8, कॉपी कितने बिट्स में हो रहा है 16. तो इस केस में लोअर टू हायर कन्वर्जन परफॉर्म हो रहा है, मीन्स दैट वन लोअर टू मीन्स 4 बिट्स को लाएगा 8 बिट्स में कॉपी किया. इस केस में 8 बिट्स को कॉपी कितने बिट्स में कर रहा है 16 बिट्स में, तो राइट मोस्ट डेटा प्रॉपरली कॉपी हो जाए लाइक 1 रिमेनिंग टाइम्स वैल्यू एज 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट रिमेनिंग रिमेनिंग बिट्स, रिमेनिंग एक्स्ट्रा बिट्स में क्या असाइन कराएं, सेम एज साइन बिट्स, साइन बिट ऑफ एक्स. एक्स के केस में साइन बिट का वैल्यू क्या है 1, इसलिए रिमेनिंग टाइम्स क्या पुट होगा इस प्लेस पर ऑल टाइम्स 1 नॉट अ 0. सपोज दैट अगर एक्स का साइन बिट 0 होता है ना रिमेनिंग प्लेसेस पर भी कैंसिल होता ऑल्सो 0, लेकिन इस केस में एक्स का साइन बिट 1 फाउंड हो रहा है, इसलिए वाई के रिमेनिंग प्लेसेस पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन कराएं ऑल्सो 1.
नेक्स्ट वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, देन y का डेसिमल मीन्स परसेंटी से डिस्प्ले करा, इसलिए डिस्प्ले क्या करें साइंड डेसिमल इंटीजर, साइंड डेसिमल इंटीजर, साइंड डेसिमल इंटीजर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे साइन बिट ऑफ y, y का भी साइन बिट क्या है 1, नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो y का डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, y के केस में करंट वैल्यू क्या स्टोर है 100, इज द करंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ y, इस केस में जब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0, दिस द 1's कॉम्प्लीमेंट, देन ऐड कराएंगे 1, 1 प्लस 1 इज 0, कैरीज 1, 0 कैरीज 1, 0 0 प्लस 1 इज 1, रिमेनिंग टर्म्स कैरी 0 है इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ 0, 0, 0, इसका डेसिमल वैल्यू क्या 2 द पावर 7, विच इज इक्वलेंट टू 128, लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट के बाद कैलकुलेट हुआ इसलिए साइन कौन सा पड़ेगा माइनस, इस y का वैल्यू लॉजिकली इसका वैल्यू क्या है -128, इसलिए जैसे इस केस में आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे ऑन द मॉनिटर करेंटली मैसेज क्या प्रिंट हुआ द वैल्यू ऑफ y -128, देखा जाए सही भी है रीजन, x में फिजिकली 128 है साइन किया लेकिन x का वैल्यू भी इक्वलेंट किसके x का भी साइन वुड 1 है, x का भी इक्वलेंट वैल्यू क्या है -128, तो इनडायरेक्ट इस केस में कॉपी भी क्या हो रहा है -128, इसलिए y का वैल्यू भी क्या डिस्प्ले होना चाहिए -128, दोनों केस में अगर आप x का वैल्यू डिस्प्ले भी कराओगे तो x के केसेस में भी क्या डिस्प्ले हुआ -128 इन बोथ केसेस।